हाई क्लास ट्वेल्थ, टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट टू इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट टू इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस एक्वस सोडियम क्लोराइड। प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कस्ड अबाउट सोडियम क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। नाउ टुडे वी आर टॉक अबाउट टू द इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस स्टेट सोडियम क्लोराइड। तो आज के जो वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसमें ये हमारे पास जो है एक्वस सॉल्यूशन में है। किसमें? एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे जो हमारे पास है ये होगा हमारे पास एक्वस फॉर्म में। तो इन वाटर सोडियम क्लोराइड आयनाइज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल in water sodium chloride ionized, it means जो हमारे पास, मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग ये होते हैं कि हमें ये रिएक्शन करवानी पड़ती है। जो हमारे पास ये क्या रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, नॉन स्पॉन्टेनियस मीनिंग्स होती है हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, जिसको हमें किसी इलेक्ट्रोड की हेल्प से या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इस रिएक्शन को कंप्लीट करवानी पड़ती है हमें। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है हमारे पास क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। किसमें? एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होगा, जो NaCl है, यहाँ पे हमारे पास NaCl है, हमने इसका जो मीडियम है, वहाँ पे मैंने मीडियम बताया था, मीडियम का जिक्र किया था आपके साथ। तो फर्स्ट जो मीडियम था वहाँ पे था, मेरे पास मीडियम लिया था मैंने मोल्टन में। जो फिर जो नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करा था, मोल्टन स्टेट ली थी। और यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे जो होगा एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे अब क्यों लेते हैं हम, क्योंकि हमने पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट तब बनता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को, सॉल्यूशन को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोड की हेल्प लेनी पड़ती है। उसमें जो मीडियम होता है, या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्वस में, ये तो वाटर में डालेंगे तो वाटर से उसके आयनाइज हो जाएगा, या तो उसको हीट कर दें, हीट अप करने से भी उसके आयनाइज हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने पहले मोल्टन स्टेट तो डिस्कस कर चुके हैं, आज हम जो करने जा रहे हैं एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्वस फॉर्म में। तो कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे है आपके पास एक्वस फॉर्म में, जब वाटर के साथ हो जाएगा NaCl के, जो सोडियम क्लोराइड है ये वाटर के साथ होगा, तो उस समय हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, ये हो जाएगा। और ये भी क्या रहेगा हमारे पास, ये एक्वस फॉर्म में, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्वस फॉर्म में, यानी वाटर के अंदर आपके पास जो हमारे पास सॉल्यूशन है, किसके अंदर, वाटर के अंदर जो NaCl है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होंगे तो Na आयन अलग हो जाएगा और पॉजिटिव Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो ये किसके साथ है, हमारे पास वाटर के साथ। अब वाटर ऑल्सो डिसोसिएटेड इन टू, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड कंडीशन जो आएगी, वाटर ऑल्सो डिसोसिएटेड, वाटर ऑल्सो डिसोसिएटेड इन टू आयन्स। वाटर भी क्या होगा, अपने आयन्स को तोड़ेगा इन टू आयन्स,
जो वाटर क्या होगा, वाटर आल्सो डिसोसिएटेड इनटू आयंस। जो वाटर होगा उसके भी अपने आयंस ब्रेक डाउन होंगे। जस्ट सपोज दैट हमारे पास है H2O, यहाँ पे हमारे पास क्या H2O, H2O कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में ले रखा हमने, जिसके भी आयंस कुछ इस तरह से टूटेंगे। यहाँ पे H पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में है और OH नेगेटिव ये भी किस में आएगा, एक्वस फॉर्म में। तो हमारे पास जो कंडीशन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है फर्स्ट इन वाटर, सबसे पहले क्या होगा इन वाटर सोडियम क्लोराइड आयनाइजेशन। पानी के अंदर क्या होगा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड भी आयनाइजेशन होगा और वाटर भी क्या होगा डिसोसिएटेड करेगा अपने आयन को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि कैथोड में क्या होता होगा, कैथोड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास एट कैथोड, यहाँ पे जो पॉइंट होगा एट कैथोड, कैथोड की यहाँ पे मैं कहानी लेके चल रहा हूँ आपके सामने। कैथोड्स में क्या हो रहा है, जो हमारे पास है देखो Na पॉजिटिव, हमारे पास क्या है Na पॉजिटिव जो आयंस है यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, ये हो गया आपके पास एक्वस फॉर्म में क्या Na पॉजिटिव आयन एट कैथोड्स पे। हम लोगों ने क्या करा है कि यहाँ पे ये Na पॉजिटिव क्या करेगा, वन इलेक्ट्रॉन्स को एड करता है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा Na। जैसे क्या करेगा, यहाँ पे एक्वस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा Na, जो होगा सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। दूसरा इसी तरह से हमारे पास क्या है वाटर का, कहाँ पे H पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव है एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे भी क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा वन हाफ H2 ये फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन गैस सिंगल H नहीं निकलता है, हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में निकलती है H2, तो यहाँ पे आ जाएगा H2 गैसेस फॉर्म में यहाँ पे। और मैंने एक चीज और बता रखी है आपको, जो कैथोड होगा कैथोड में क्या होगा रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। जो कैथोड होगा कैथोड क्या शो करेगा रिडक्शन, कैथोड पे आपके पास क्या होगा रिडक्शन होना है। अब कैथोड पे जब यहाँ पे रिडक्शन होता है तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें जो सोडियम है सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे जो H पॉजिटिव ऐसे इलेक्ट्रॉन लेता है किससे गैसेस फॉर्म में चला जाता है, तो यहाँ पे जो होता है इनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़ी थी उसमें क्या देखा था रिडक्शन पोटेंशियल देखा था उसमें, तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका जो होगा ई नॉट, जिसको हम बोलेंगे इसको ई नॉट होगा इसका, सोडियम का सॉलिड स्टेट में ये हो जाता है प्लस टू माइनस टू माइनस 2.17 वोल्ट। हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का ये होता है जीरो। अब भाई यहाँ पे क्या कंडीशन आती है हमारे पास दोनों केसेस में, जो रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में कैथोड है, H2 भी क्या हो रहा है एड ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है H2 गैस बना रहा है, सोडियम भी क्या है वन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, यहाँ पे सोडियम क्या बना रहा है सॉलिड स्टेट में जा रहा है। अब दोनों की दोनों कंडीशन में क्या आ गए हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है इसका है 2.71 या 2.7 हाँ सॉरी 2.71 इसका होता है 2.71 वोल्ट। और जो हाइड्रोजन का होगा हाइड्रोजन का होता है हमारे पास कितना इसका आता है जीरो। अब कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हाई आर द H2 कंपेयर देन द सोडियम। तो यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका है इसमें, ये तो आपके पास क्या है ये तो माइनस में है और ये आपके पास प्लस में है, जो इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका माइनस में और इसका प्लस में है। तो इन दोनों केसेस में जिसका हाई होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका क्या होगा हाई होगा हमें उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आर हायर H2 आर कंपेयर देन टू Na, तो H2 की जो है रिडक्शन पोटेंशियल हाई है किसके किसके साथ में किसके कंपेयर में Na के कंपेयर में, तो इसलिए यहाँ पे जो हमें रिएक्शन लेनी पड़ेगी इसमें कौन दिखाएगा रिडक्शन पोटेंशियल किसका रिडक्शन रिएक्शन कौन दिखाएगा यहाँ पे दिखाएगा H2। दोबारा से सुन लो रिपीट कर रहा हूँ अगेन कि सबसे पहले हमारे पास कैथोड है Na पॉजिटिव और इसमें इलेक्ट्रॉन है ई, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो ये सॉलिड स्टेट में चला जाता है।
दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन एक्वस फॉर्म में है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ऐड करता है तो यहाँ पे क्या होता है, एच हाफ एच टू गैसेस फॉर्म में चला जाता है। अब कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है हमारे पास सोडियम, क्योंकि हमने इसीलिए तो बीच में क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते सोडियम का जो रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस है वो है -2.71 वोल्ट और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास जीरो। तो इसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका है, तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल हो गया हमारे पास किसका, हाइड्रोजन गैस का। एच टू गैस का क्या है, हमारे पास हाई रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसलिए रिडक्शन रिएक्शन जो शो करेगा कौन कर सो रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस वाले रिएक्शन में हमें किसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। अब देखो व्हेन एच पॉजिटिव आयन कम्स फ्रॉम वाटर इट कंडीशन में समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि हमें किसको लेना है, एच टू को लेना है, लेकिन एच पॉजिटिव आयन आया कहां से, एच पॉजिटिव आयन्स कम्स फ्रॉम वाटर। जो ये एच पॉजिटिव आयन होगा ये हमारे पास यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, एच पॉजिटिव आयन कम्स फ्रॉम वाटर। जो एच पॉजिटिव आयन है कम्स फ्रॉम वाटर, ये किस कहां से आ रखा है हमारे पास, वाटर से आ रखा है, ठीक है, तो ये हमारे पास वाटर से आ रखा है, तो इसके रिएक्शन लिख लेते हैं H2O हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसके जो रिएक्शन टूटेगा H पॉजिटिव आयन्स और OH नेगेटिव आयन। जो वाटर टूटेगा वाटर किस तरह से टूटेगा, H पॉजिटिव आयन डिसोसिएटेड होंगे आयन्स और OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो रिएक्शन हमारे पास ये वाली, सपोज दैट इसको इसका नाम लिख लेते हैं वन और ये हो गए टू और ये जो है जो H पॉजिटिव कम्स फ्रॉम द वाटर आ रखा है इसको ये हो गया थ्री। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ इक्वेशन का हम सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि हमने इसको सेकंड को ही लेना है इसमें। तो जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, इस H पॉजिटिव से ये H पॉजिटिव हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बन के आया हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन आपके पास आ रही है H2O हो गया वन इलेक्ट्रॉन्स, H2O के बाद हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, वन इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब वन इलेक्ट्रॉन्स के हाँ बाकी कुछ नहीं, अब प्रोडक्ट साइड में चलते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास है हाफ एच टू हो गया आपके पास और उसके पास OH नेगेटिव, यानी कि जो कैथोड का पार्ट है हमारे पास, जो कैथोड का पार्ट है ये वाला हो गया H2O प्लस वन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोडक्ट साइड में हाफ एच टू गैसेस फॉर्म में OH नेगेटिव, ये जो है आयंस बन रखे हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से, ये है कैथोड का पार्ट। दोबारा से समझ लो यहाँ पे जो सोडियम है कैथोड में, दोबारा से समझा रहा हूँ इस चीज को कि कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, इसमें हम रिडक्शन को लेके चल रहे हैं। तो सोडियम में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा एक्वस फॉर्म में तो NaH इसमें सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, H पॉजिटिव जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स, H पॉजिटिव जो हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे ये क्या करेगा, वे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो क्या होगा, हाफ एच टू की गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। और इन दोनों केसेस में क्या देख रहे हैं हम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वही क्या करेगा, रिडक्शन रिएक्शन को शो करेगा, यानी कैथोड को शो करेगा यहाँ पे। तो कैथोड में हमें किसको लेना पड़ेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका है हमारे पास, H2 गैस का, क्योंकि H2 गैस का जीरो है ये माइनस में है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जो H2 पॉजिटिव आयन है ना, ये H पॉजिटिव आयन आया कहाँ से है, तो H पॉजिटिव आयन कहीं ना कहीं वाटर से तो आ रखा है, ये वाटर से तो निकल के आया, तो H पॉजिटिव कम्स फ्रॉम द वाटर। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, H2O को ब्रेक किया तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में चला गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर रिएक्शन किसको प्रिपेयर कर रखी है, H पॉजिटिव वाले को कर रखी है,
यहाँ पे हमने जो सेकंड और थर्ड है इसको कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जो एक्वस फॉर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक H2O, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये साइड में हमारे पास क्या है, हाफ H2 और यहाँ पे प्लस OH-, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास कैथोड पार्ट। अब डिस्कस करते हैं एनोड पार्ट का इसका। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैथोड रिएक्शन आई थी, कैथोड जो पार्ट आया था, कैथोड की रिएक्शन आई थी, कैथोड जो पार्ट आया था ये आया था निकल के H2O प्लस हमारे पास क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बना था हमारे पास, हाफ H2 गैस और हाफ H2 के बाद बना था OH-। ये था हमारे पास कैथोड का पार्ट। अब बात करते हैं हम लोग इसके एनोड की। अब है एट एनोड। अब जो एट एनोड्स पे हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले जो Cl- है, जो Cl- है, Cl- क्या करेगा इस कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यहां पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। हमें से याद रखना कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन बढ़ाने होते हैं और रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे जो Cl- है, Cl- क्या करेगा, यहाँ पे Cl जो है यहाँ पे हाफ Cl बनेगा, Cl2 बनेगा ना यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन सिंगल फॉर्म में नहीं आता, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेगा, Cl- में जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब जाके Cl के फॉर्म में आएगा। उसके बाद दूसरा है हमारे पास वाटर। वाटर में देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग के लिए वाटर का H2O। अब यहाँ पे H2O का जो H2O का सीन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इस वाली कंडीशन में देखना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका ऑक्सीजन का होगा -2, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का होगा +1, तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। वाटर क्या क्या है इसमें निकालेंगे, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन पे +1। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये निकलेगा हमारे पास यहाँ से हाफ O2 गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में। अब गैसेस फॉर्म में निकल गए, यहाँ पे हमारे पास O2, यहाँ पे क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो O2 निकला है, तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन में एक्सेल, इसमें क्या हो गया, इसमें 0 हो गया। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ इसने क्या करा है, 2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे ना अपने, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए जब 0 होने के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे यहां से लॉस कर रखे आपने। तो यहां पे सबसे पहले किनारे में लिख देता हूं इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस कर रखे हैं, इसका ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे +1 है, एक हाइड्रोजन पे क्या है +1 है, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 2H+ हो गया। तो ये कंडीशन हमारे पास दोनों की क्या है, Cl- का जो था एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो Cl- में हाफ Cl2 गैस बनी, 1 इलेक्ट्रॉन्स। वाटर में क्या हुआ, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव अलग हो गए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ पे 0 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एड ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया 2 इस साइड में, क्योंकि हमें क्या है एडिशन के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। लेकिन क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हमेशा प्रोडक्ट साइड में ऐड होगा कौन सा, ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रॉन, और जो रिएक्टेंट साइड में आप इधर ऐड करोगे वहां पे करो रिडक्शन के लिए, वहां पे किस साइड यूज करना पड़ेगा आपको, कैथोड के लिए रिएक्टेंट साइड में। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आती है, यहाँ पे जो Cl2- है, हमारे पास Cl2 का ई सेल है, जो हमारे पास है Cl का जो सेल निकल के आ रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वो निकल के आ रहा है 1.36 वोल्ट। और हाइड्रोजन का जो होता है हमारे पास, हाइड्रोजन को निकल के आता है हमारे पास इस वाले कंडीशन में H2O में, इसका आ रहा है इस वाले परीक्षण में, इसका निकल के आ रहा है आपके पास 1.23 वोल्ट। अब इस कंडीशन में एक चीज और है हमारे पास, दिस पोटेंशियल हमारे पास क्या होना चाहिए, जिसका क्या होगा, व्हेन रिडक्शन पोटेंशियल दीज कंपाउंड्स आर लो इट सो ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन के लिए एक पॉइंट लिखा दूं यहां पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा,
वह उस वही रिएक्शन शो करेगी क्या, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या आएगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं, यहाँ पे Cl का है 1.36, इसका है 1.23। मतलब हमारे पास जब आप लोग कैथोड के केस में देखोगे, वहां पे आपको क्या देखना है, जो SRPO स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा, किसमें, कैथोड के केस में। यहाँ पे हमें क्या देखना है, एनोड के केस में जिसका क्या होगा, SRP लो होगा, वही ऑक्सीडेशन को शो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो Cl2 है इसमें है हमारे पास 1.36, और यहाँ पे है क्या दूसरा, इसका है 1.23 वोल्ट। मतलब यहाँ पे एक काम है, इसको प्रिपेयर दे सकते हैं हम, यहाँ पे जो Cl2 है इसको प्रिपेयर दे सकते हैं हम लोग। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें, जो हमारे पास क्या है, इसमें हम लोग इसको दे सकते हैं, यहाँ पे किसको ले सकते हैं, H2O को ले सकते हैं, क्योंकि इसका क्या है कि हमारे पास इसका जो SRP है नंबर है लो है कंपेयर देन किसके। लेकिन ये हम लोगों ने थर्मोडाइनेमिक्स में देख रखा है कि ये रिएक्शन जो है, जो ये वाटर वाली रिएक्शन है, H2O रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन इतनी, मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतने वोल्ट पे क्या नहीं होती, आयंस को डिसोसिएटेड नहीं कर पाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें ओवर पोटेंशियल देना पड़ेगा आयंस तोड़ने के लिए। अब ओवर पोटेंशियल जैसा हम इसमें देखते हैं, किसमें, यहाँ पे O2, जो ये तोड़ने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, वैसे लेना तो हमें ये वाला चाहिए 1.23 वोल्ट, लेना तो यही है, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा, वही शो करेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये आ जाती है कि हमें यहाँ पे ये जो रिएक्शन है कंप्लीट नहीं हो पाती इतना वोल्ट पे, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको और इलेक्ट्रिसिटी देनी, हमें नीड क्या है और इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है। अब सोचो अगर आप इसमें ओवर पोटेंशियल देंगे वाटर वाले रिएक्शन में, ओवर पोटेंशियल देने से क्या होगा, इसका जो यहाँ पे जो SRP होगा, इसका जो होगा SRP, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर देन किसके, इसके। अगर हम लोग क्या करेंगे, ओवर पोटेंशियल देंगे, ओवर पोटेंशियल देंगे तो इसका SRP यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें किसको लेना पड़ता है, Cl- को। ऑक्सीडेशन के लिए हमें किसको प्रिफेयर करना पड़ेगा, Cl- को। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा Cl- हाफ H2 हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे, जो हमारे पास ये आता है SRP नंबर कम है 1.23 वोल्ट, लेकिन 1.3 वोल्ट पे ये रिएक्शन क्या नहीं हो पाती है, ब्रेक डाउन नहीं हो जाती, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। और जैसे ओवर पोटेंशियल देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका जैसे हम लोग इसमें ओवर पोटेंशियल देते हैं तो इसका क्या होता है, SRP नंबर बढ़ जाता है कंपेयर देन किसके, इसके। तो हमारे पास क्या होता है कि जिसका SRP नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि ओवर पोटेंशियल दे रहे हैं, इसके पास 1.3 वोल्ट है, 2-3 वोल्ट है, हम इसमें और दे रहे थे, इसका क्या होगा, इसमें इसका SRP नंबर भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमें किसको लेना पड़ता, प्रिफेयर देना पड़ता है किसको, Cl- को। तो यहाँ पे जो प्रिफेयर देना पड़ेगा, Cl- हाफ Cl2 गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इसको प्रिफेयर देना पड़ता है, फिर हमारे पास जो रिएक्शन आएगी, तो एक तो रिएक्शन हमारे पास ये हो गई, और कैथोड की रिएक्शन कौन सी हो गई हमारे पास, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैथोड की रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं इसमें ना, कैथोड ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले पहले कैथोड की, कैथोड है H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हो जाएगा हाफ H2 गैस, और यहाँ पे आ जाएगा OH-। दूसरी हमारे पास जो एनोड की रिएक्शन है, एनोड की रिएक्शन है हमारे पास जिसको हम प्रिफेयर दे रहे हैं, Cl- Cl- से जो बन रहा है हमारे पास, Cl- से जो बना है हाफ Cl2 गैसेस फॉर्म में है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हमारे पास क्या था, सोडियम क्लोराइड जिसके आयन टूटे थे, तो यहाँ पे है NaCl जिसके NaCl एक्वस फॉर्म में था, उसके बाद इसके आयन टूटे Na पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, Cl- एक्वस फॉर्म में। तो ये कंडीशन है। अब ओवरऑल हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी हमारे पास,
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी हमारे पास, यहाँ पे देखो एक तो हमारे पास क्या हो रहा है, सी एल से सी एल माइनस कैंसिल हो गया, सी एल से सी एल माइनस कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन से वन इलेक्ट्रॉन कैंसिल ये भी कर रहा है, वन इलेक्ट्रॉन टू वन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, तो बस इतना सा कट रहा है हमारे पास, तो रिएक्शन आ जाएगी एन ए सी एल प्लस एच टू ओ हो गया, इतना ये हो गया रेक्ट हैंड साइड का। और इधर आ रहा है आपके पास, हमारे पास आ रहा है इस वाली कंडीशन में जो हमारे पास है हाफ एच टू, हाफ एच टू, हाफ एच टू हो गया, फिर हमारे पास क्या प्लस ओ एच माइनस, ये रहा ओ एच माइनस, और हमारे पास क्या है ओ एच माइनस के बाद हमारे पास है हाफ सी एल टू, हाफ सी एल टू, हाफ सी एल टू के बाद हमारे पास आ रखा है यहाँ पे एन ए पॉजिटिव प्लस एन ए पॉजिटिव। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन था हमारे पास, किसका, सोडियम क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में नहीं था, ये था हमारे पास किस कौन सी स्टेट में, एक्वस फॉर्म में था हमारे पास, कौन सा, सोडियम क्लोराइड जो था हमारे पास ये था एक्वस फॉर्म में। इसमें वेरिएशन आ जाता हमारे पास, जैसे मोल्टन स्टेट में हो और हमारे पास सोडियम क्लोराइड अगर मीडियम चेंज करते हम लोग, वो मोल्टन स्टेट में था और ये हमारे पास क्या एक्वस फॉर्म में था, तो एक्वस फॉर्म का रिजल्ट कुछ अलग आएगा और आपके पास जो मोल्टन स्टेट है मोल्टन स्टेट का रिजल्ट कुछ अलग आएगा। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।